देखिए, करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 to 35 के बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन डिराइव करते हैं, ठीक है। और केवल हम, मैंने पहले ही बात की है कि RO तो हमें निकालना नहीं है, हमें समग्र तैयारी करनी है UPPCS के साथ में ही। तो ये पर्यावरण परिस्थिति की बेस्ड है। कोई भी एक बुक से अगर आप करंट अफेयर तैयार करते रहते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर रहती हैं। अगर आप कोई चैनल या वीडियो फॉलो करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस, है ना। तो हम करंट अफेयर देख लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर में हमारी पकड़ होनी चाहिए। और करंट अफेयर की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब हम उसे फॉलो करते रहते हैं डे बाई डे, तो बहुत सी चीज़ें रिपीट होती हैं और हमारा बेस बन जाता है। हमें वैसे भी केवल प्रीलिम्स तो निकालना नहीं है, हमें मेंस भी लिखना है। तो जैसे ये करंट अफेयर के मुद्दे देते हैं टॉपिक वाइज, तो इनसे बेस्ड मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अगर हम फैक्ट को तैयार भी कर लें, रट्टा मार लें, निकल जाएगा, फिर भी तो हमें मेंस के लिए कोचिंग कितना भी पढ़ाती है, बहुत से बच्चे पैट कोर्सेस ले रखे हैं, पर हमारी अपनी समझ क्या कहती है। अगर हमारी अपनी समझ नहीं है तो निबंध हो या कुछ भी मेंस का क्वेश्चन हो, हम उसे टैकल नहीं कर सकते हैं। आप जब मेंस के क्वेश्चन को लिखने बैठेंगे और 3 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पता ही है, फिर समझ में आता है कि हमारे पास शब्दों की कमी होती है। तो हमें समग्र तैयारी करके चलना, एक ओर नहीं भागना। मैं कोई दावा नहीं कर रही, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक छड़ी है और वो छड़ी है मेहनत की। मतलब कहते हैं ना, सफलता थोड़ी देर में ही सही पर मिलेगी ज़रूर। और अगर कोई शॉर्ट तरीका है, कोई ट्रिक है, कोई जादू है, कोई कह रहा है कि 100% उसकी ट्रिक काम कर जाएगी, तो आप उसे बेझिझक फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम करंट अफेयर को ज़रूर फॉलो करेंगे। मैं ये मंथली मैगजीन, मतलब आपको इसके द्वारा बताती रहूँगी। बहुत सारे लोग विज़न फॉलो करते हैं, आप चाहे तो विज़न फॉलो कर सकते हैं, पर हिंदी मीडियम के लिए दिस इज़ गुड, है ना। तो देखिए, ये करंट अफेयर के हैं। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊँगी, हैं तो ये सभी इंपॉर्टेंट, पर इनको मैं छोड़ देती हूँ। ये हमारे लिए ठीक है क्योंकि इनसे हमें मेंस के शब्द मिल जाएंगे, हमें अपने थॉट्स मिल जाएंगे, क्या किसी ने कोई बात को गलत तरीके से बताया है, हमें समाज में किस तरीके से उस बात को रखना है या हमें लिखना कैसे, वो हम इसमें देखते हैं। ओके, देखिए, इसमें ये तो संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम दे दिया है, फिर आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, भूगोल, आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज, इतिहास, कला, आंतरिक सुरक्षा और अनचर्चित। तो इससे क्या है कि हमें पता चलता रहेगा कौन से सब्जेक्ट किस पेपर से, मतलब कौन सा टॉपिक किस पेपर से मिलता है, हमें किस पेपर में उसकी हेल्प मिलेगी। तो आपको भी इससे बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना। देखिए, इसमें अच्छी बात क्या रहती है कि ये सारा बॉक्स में दे देते हैं, संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम क्या है, अब आर्थिक में क्या क्या चीज़ें हुई है उस महीने में, और यही सारा मिलके साल में करंट अफेयर बन जाता है। तो ये अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमें इसका कोई भी शब्द एक निकाल के अगर पूछ लेता है क्वेश्चन बना के, तो हम फिर डाटा के पीछे भागते हैं, फैक्ट कि ये कहाँ 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 मतलब निकला होगा। ये देखिए, इसमें रिपोर्ट भी सम्मिलित की गई है, ये है ना। सोशल जस्टिस आपके हिस्ट्री के सेकंड पोर्शन में आता है, इतिहास कला तो आपको पता ही, पहला ही पेपर GS का जो होता है, सॉरी मतलब निबंध को बोलते हैं, बट वैसे पहला GS है, हिस्ट्री का ही माना जाता है। तो ये इसके कॉलम्स हैं, हम वन बाय वन टॉपिक देखते हैं। हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, निर्वाचन आयोग में सुधार, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वही कराऊंगी, बिना वजह का टाइम नहीं बर्बाद होगा। ओके, जैसे देखिए, इसमें ये दूसरा टॉपिक है राजनीति में महिला आरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, निबंध में आपके काम आएगा, है ना, सोशल जस्टिस में काम आएगा। और आप देख लीजिएगा, मैंने तो अभी बता दिया। तो देखिए, इसकी चर्चा में क्यों है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। ये तो ऊपर के टॉपिक का हो गया। ये यहाँ कह रहे हैं कि हाल ही में कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा काफी समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की मांग को पुनः उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है, ध्यान रहे कि राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है ना। हालांकि उस समय लोकसभा में इस विधेयक पर मतदान नहीं किया गया, जिसके कारण यह विधेयक लैप्स हो गया। आपको पता है कि कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब उसमें दोनों सभाओं से, दोनों हाउसेस से ध्वनिमति से पारित किया जाता है। पारित करने की प्रक्रिया एक अलग है, उसके बारे में हम बीच में कभी बात कर लेंगे। आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो देखिए,
करंट कैसे स्टैटिक से रिलेट करता है ये ऐसे ही पढ़ने से पता चलता है कि राज्यसभा में कौन गया, लोकसभा में कौन गया, लैप्स क्यों हो गया। क्योंकि लोकसभा में इस विधेयक पर मतदान ही नहीं किया गया तो लैप्स तो हो ही जाएगा, फिर कानून का रूप ले ही नहीं पाएगा। और आपको वैसे भी पता है कि भारत की राजनीति में महिलाओं की स्थिति काफ़ी कम है। अब देखिए यहाँ दे ही रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, तो अगर आपको कभी कहीं भी दो पॉइंट डालने हैं तो अगर आप ये डाल देते हैं, अगर आप इस तरीके से बताते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्यों कमज़ोर है, क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कभी इंटरव्यू भी देखेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहते हैं तो क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 14% कुल 78 और राज्यसभा में लगभग 11%। गौरतलब है कि पहली लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 5% थी। अब सोचिए कितनी कम है। PRS के आंकड़ों के अनुसार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में रवांडा, रवांडा एक देश है, भारत का कोई राज्य नहीं है, रवांडा 61%, दक्षिण अफ्रीका, जबकि देखिए दक्षिण अफ्रीका के कई सारे जो कंट्री हैं वो सोशियो इकोनॉमिक बहुत कमज़ोर हैं भारत की अपेक्षा, लेकिन देखिए महिलाओं की स्थिति वहाँ पर फिर भी, दक्षिण अफ्रीका 43%, और यहाँ तक कि बांग्लादेश 21% भारत से आगे है। अब ये सोचने वाली बात है ना कि बांग्लादेश तो भारत से बाद में बना ना, पहले तो वो मतलब कि क्या पूर्वी पाकिस्तान था, है ना, तो उसे भारत की हेल्प से ही आज़ादी मिली और देश बना। अब वो देश में 21% महिलाओं की भागीदारी, और भारत में 14% है लोकसभा में और राज्यसभा में केवल 11%। सोचिए हमें इन लोगों से आगे ही होना चाहिए, और क्योंकि अब तो पॉपुलेशन में हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं, तो हमें हमारी पॉपुलेशन में महिलाओं की भागीदारी को तो और बढ़ाना चाहिए ना, तभी तो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों को सभा के पटल पर रख पाएंगी। जब महिलाएं जाएंगी नहीं निर्वाचित होकर तो रखेंगी कैसे, है ना। तो अंतर संसदीय संघ की नवीनतम रिपोर्ट, अब जैसे आप पूरा करंट अफेयर छापने की कोई ज़रूरत नहीं, करंट अफेयर पढ़ने का कतई मतलब नहीं होता, पूरा छाप दो। सिर्फ आप जैसे ये दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा सिर्फ इतना ही नोट कर लो, इतना यहाँ तक, और ये अंतर संसदीय संघ की नवीनतम रिपोर्ट, अगर इतना ही आपने कहीं कोड कर दिया तो आपका आंसर इतना बढ़िया हो जाएगा, मतलब जैसा सर पढ़ाते हैं मैंने देखा है, इसी तरीके से रिपोर्ट डलवाते हैं, है ना, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। आप जब अपनी चीज़ों को तैयार रखेंगे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डेटा वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डेटा सही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार तो संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारत 193 देशों की सूची में 144वें स्थान पर है, बताइए। इसके बाद में कह रहे हैं सभी राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का राष्ट्रीय औसत लगभग 8% है, सभी राज्य जो मतलब भारत के हैं, ठीक है, तो कितनी बुरी स्थिति है। देखिए कहने से महिलाओं की समस्याएं दूर तो नहीं होने वाली, करने से दूर होने वाली है ना। तो महिला आरक्षण कानून की पृष्ठभूमि देख लेते कि मुद्दा उठाई क्यों, तो राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर देखा जा सकता है। संविधान सभा की बहसों में भी महिला आरक्षण का मुद्दा उठा, लेकिन इसे अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया गया। उस समय यह मान लिया गया था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की राजनीति में सभी समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो लग रहा था कि मतलब होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, धीरे धीरे महिलाएं उपेक्षित होती गईं। उपेक्षित का मतलब कि उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब देखिए हालांकि वर्ष 1971 में केंद्र सरकार द्वारा गठित भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को उठाया, और समिति के अधिकांश सदस्य विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ थे, परंतु उन सभी ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया, ठीक है। अब देखिए पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण, वर्ष 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर संसद तक आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गई। देखिए ये मुद्दा कब से जुड़ रहा है, जब पंचायती राज बाद में लागू किया गया, तो अभी कि ये आ गया ना उसका पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया। अब इसी पृष्ठभूमि को आप देख लीजिए, जो आपके पंचायत वेब सीरीज बनी है वहाँ पर महिला प्रधान है, ठीक है, पर वर्क सारा उनके पति देव करते हैं। तो बहुत बार समाज में ऐसा किया जाता है, क्यों किया जाता है, कई बार महिलाएं शिक्षित कम होती हैं, उन्हें लगता है पति, बोलते हैं ना डायलॉग, पति परमेश्वर, तो पति जाके देख ले, मैं तो सिर्फ नाम की प्रधान हूँ। पर महिलाओं को जाना चाहिए, देखना चाहिए उनके सिग्नेचर का क्या महत्व है, वो क्या कर सकती है, क्या बदलाव ला सकती है।
इसीलिए गांधी जी पंचायती राज के बहुत मतलब समर्थक थे। उन्होंने इसीलिए कहा था कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो, गांव में मतलब कि ग्रामोद्योग को बढ़ावा दो ताकि महिलाएं लगे रहें, समाज में विकास हो। जब महिला शिक्षित होती है तो अपने घर को शिक्षित करती है, समाज तो चलो होता ही है, तो उन सबको देखते हुए बहुत ज़रूरी है। अब अगर इसका आप 10 लाइनें भी कहीं डाल देंगे और कहीं लिख देंगे, या कभी कहीं बात हुई आप बताएंगे, तो कम से कम आपकी बात तो ठीक निकलेगी ना। ज़रूरत तो है समाज में, क्योंकि महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है आप देख रहे हैं। कुछ ऐसे देश जो इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य से उतने सक्षम नहीं है, पर महिलाएं फिर भी उसमें आगे हैं। फिर हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बोलने से तो नहीं होगा, उसके लिए करना पड़ेगा, है ना। तो ये किया गया। आपको पता ही है कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की गई, पर कई बार आप देखते हैं ना कि महिलाओं को खड़ा तो कर देते हैं, पर काम सारे उसके जेंट्स ही, पति या उसके घर के कोई पुरुष व्यक्ति ही करते हैं। महिलाओं को सिर्फ नाम के लिए खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो सीट जीत जाती है, वो सॉरी आरक्षित हैं, तो महिला कोटे से खड़ी हो जाती है ना। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि साथ ही इसके पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर अध्यक्ष के कार्यालय के लिए 1/3 स्थान को महिलाओं के लिए आरक्षित करने एवं इन सीटों में 1/3 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। अब देखिए, ये डेटा कह रहा है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। तो ये सही, पर ये जब ग्राउंड लेवल पे वर्क करे तो बहुत अच्छा है। चलिए हम आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो फिर टॉपिक रह जाएंगे। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ समझाने की, बताने की कि आप कोई निबंध में कैसे हेल्प कर सकता है। जो सोसाइटी वाला पोर्शन आता है ज़रूर पूछते हैं, वीमेन हेल्थ और मैटरनिटी लीव, महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग मुद्दों को भटका मतलब मेन उससे भटका देते हैं। देखिए, यह भी विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक, कानून नहीं बना। विधेयक वो होता है जो किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है, जब उसमें वो पारित हो जाता है और राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं तब वो कानून बनता है ना। तो महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को पहली बार सितंबर 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा लोकसभा में 81वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था, परंतु इसे पारित नहीं किया जा सका। अब देखिए, ये वहीं अटक गया। फिर इस विधेयक को वर्ष 1998, 1999, 2002 और 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, परंतु इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। वर्ष 2008 में सरकार द्वारा राज्यसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया, हालांकि वर्ष 2010 में राज्यसभा में पारित होने के बाद इसे लोकसभा में नहीं प्रस्तुत किया गया। सोचिए कितनी लंबी प्रक्रिया है ना। फिर कैसे महिलाओं में मतलब आत्मनिर्भर महिलाएं होंगी। वर्ष 2008 के विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया। विधेयक के अनुसार आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी बारी से आवंटित किया जा सकता है, तथा इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ऐसा फैक्ट, जैसे ये 15 वर्ष दिया ना, ऐसे ही UPPCS में इस बार क्वेश्चन आया था कि जो अंग्रेजी भाषा अपनाई गई थी उसको कितने वर्ष के लिए अपनाया गया था। अब देखिए, मतलब बहुत सारे टीचर जो ठीक ठाक पढ़ाते हैं वो यही बोलते कि आप टॉपिक पे पकड़ बनाइए, फैक्ट तो आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएंगे। अब इतना आपने फैक्ट पढ़ा, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 33% आरक्षित कब किया गया है ना, या देश के बारे में लेके, पर आप फैक्ट के पीछे जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर आप निबंध में लिखेंगे या आपसे किसी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि ज़रूरत ही क्यों है महिलाओं की, महिला को आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है, तो फिर आप अपना पॉइंट विथ ठीक ठाक फैक्ट के साथ कैसे प्रूव करेंगे? तो कभी भी पढ़ाई के किसी जंग में कूदना हो तो फैक्ट के साथ, ठीक ठाक फैक्ट के साथ कूदिएगा, वरना हार होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हमें ज़रूरत क्यों है? राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की उम्मीदों के विपरीत संसद में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। आपको पता ही है, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तो जैसे रानी गैडलियो का अब जाके पता चला है ना, बेगम हजरत महल हो गई, बहुत सारी हैं महिलाएं जिनका नाम तो फिलहाल नहीं याद है, पर सबने भाग लिया था, तो उन्हें भी तो बराबरी का हक मिलना चाहिए ना। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की उम्मीद थी
कि महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2022 के अनुसार, देखिए ये रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है ना, ये भारत राजनीतिक सशक्तिकरण संसद और मंत्री पदों पर महिलाओं के प्रतिशत के क्षेत्र में 146 देशों में से 48वें स्थान पर है। सोचिए इस श्रेणी में स्कोर 0.267 पर काफ़ी कम है, जबकि इस श्रेणी में बांग्लादेश, देखिए यहाँ भी बांग्लादेश हमसे आगे है, 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर। सोचिए 48वें और 9वें, कितना हमें मेहनत करनी चाहिए, है ना। पंचायत स्तर पर सुधार, वर्तमान में कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि पंचायती राज की महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के समग्र विकास के लिए सराहनीय काम कार्य किया है और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो जब परिणाम देखने को मिले हैं तो फिर सरकार का ये प्रयास है कि उन्हें और ऊंचे स्तर पर लाया जाए, है ना। अब जो लोग विरोध करते उनका तर्क क्या है, बस एक मिनट में देख लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। विधेयक के विरोध में तर्क, इस व्यवस्था का विरोध करने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि महिलाएं एक सजातीय समरूप समुदाय जैसे कि जाति नहीं, ऐसे में महिलाओं के लिए जाति आधारित आरक्षण के लिए जाने वाले तर्कों को महिला आरक्षण पर लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मैं बता देती हूँ, जैसे हमारे समाज में क्या होता है खास करके भारत में, कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो होती पहले गुप्ता है। अगर उसकी शादी, जस्ट सपोज ऐसा होता है, होता तो है पर ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ, चलो गुप्ता हटा देते हैं, कुछ और कास्ट कर लेते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लीजिए, उसका ए कास्ट है। अब बी कास्ट के लड़के से जब शादी होती है तो उस लड़की को मिसेस बी ही कहने लगते हैं समाज में, उसकी अपनी कास्ट को हटा देते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उसकी कास्ट उसके आदमी की है तो उन्हें जाति आधारित क्या आरक्षण देना, इस तरीके से तर्क दे रहे हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करने से संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। मतलब ये कि सबको समान आरक्षण होना चाहिए तो फिर महिलाओं को आरक्षण, पुरुष को नहीं। अरे तो भाई संविधान ये भी कहता है कि जहाँ पर युक्तियुक्त आप आरक्षण दे सकते हैं, जहाँ पर उस समाज का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है वहाँ पर युक्तियुक्त आरक्षण दे सकते हैं। जैसे हमें वहाँ का अभिव्यक्ति का मतलब कि वो है, छूट है, जैसे लोग कह रहे थे ना कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें खाने का अधिकार है, हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है। हाँ प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर ये नहीं कि अब एम्बुलेंस में कोई व्यक्ति जा रहा है अगर उसे 2 घंटे लेट हो गया तो बेचारा मर जाएगा, और आप कह रहे हो कि हम तो अपने प्रदर्शन के अधिकार का उपयोग करेंगे। ऐसा उल्टा सीधा अधिकार का उपयोग करने का की इजाज़त संविधान कभी नहीं देता। संविधान कहता है कि आप युक्तियुक्त अपना अधिकार, अपने अधिकार के चक्कर में दूसरे का अधिकार न छीनें। भाई कोई एम्बुलेंस में है, आपने रोड जाम कर दिया, धरना प्रदर्शन करने लगे, ठीक है, तो उसके अधिकार का उल्लंघन क्यों कर रहे, उसे भी तो अपना इलाज कराने का अधिकार है। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि जहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात आती है, महिलाएं अगर पीछे हैं तो फिर उन्हें भी ये अधिकार है, ठीक है। तो देखिए जो पॉलिटी का हमारा सेक्शन था करंट का, वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक ये है आत्मदोषारोपण एवं संवैधानिक अधिकार। तो ये आपको पता है कि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं अभी, उनके खिलाफ आपने देखा ही था कि उन्हें मतलब जेल में हैं, उनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकल है, मुझे नहीं लगता खास ज़्यादा, अगर आपको लगे तो आप ये, आपके पास ये होगी करंट अफेयर की तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, पर वो थोड़ा सा पॉलिटिकल ज़्यादा है, तो हमें पॉलिटिकल में नहीं जाना, हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम को देखना है। इसके बाद में चलिए, तो सेक्शन वाइज हमने देखा ही था कि पॉलिटी, इसके बाद में दूसरे करंट अफेयर, तो उनको देख लेते हैं। देखिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना एक प्रभावी विकल्प हो सकता है। तो इसके सकारात्मक पक्ष मैंने आपको बताए, रिपोर्ट्स बताई, अगर आप उनको इस तरीके से मतलब अच्छे से लिखते हैं तो आपका इतना अच्छा गजब का आंसर बनेगा और प्रभावी बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें ही, बहुत सारे लोग आप सुनते हैं जब वुमेन्स लिखते हैं तो वो बोलते हैं मैंने क्या लिखा मुझे याद नहीं, पर आप अगर 1-2 रिपोर्ट्स डालेंगे और अपने उत्तर लिखेंगे तो बस बीच में 2 रिपोर्ट डालेंगे, ऊपर इंट्रो लिखेंगे, नीचे कंक्लूजन लिखेंगे, आपका आंसर भी कंप्लीट और प्रभावी आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड था इकोनॉमिक और थर्ड था आईआर का। तो आईआर में कुछ चीज़ें, सब कुछ तो नहीं आता है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफ़ी टफ रहता है, ये रिवीजन में कम रहता है और ये इम्पोर्टेंट भी यूपीपीसीएस के लिए खास करके, क्योंकि साइंस टेक का अच्छा खासा वेटेज रहता है, अच्छे खासे वो क्वेश्चन बनते हैं। आप देखेंगे भी जो इंटरव्यूअर बताते हैं, जो लोग पास कर जाते हैं, सारे लोग मतलब गलत बातें तो नहीं बताते,
है ना। तो हम इसको देख लेते हैं, इस टॉपिक के बाद में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलूँगी। ये देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विज्ञान प्रौद्योगिकी खत्म हो जाएगा, फिर आपका आ जाता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो ये दो टॉपिक करके ही ख़त्म कर देते हैं, फिर हम DIAS की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर, क्योंकि कुछ नए लोग होंगे जिन्हें जिनकी एज इस साल कंप्लीट हुई है, जिन्हें RO ARO के बारे में अभी पता चला है, तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। तो हम जो टेस्ट सीरीज़ हैं और जो ये मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है, इससे हम अपना पहले बेस तैयार करते हैं किसी भी टॉपिक पे जाने के लिए। अगर हमें 200 वर्ड लिखने हैं ना, तो कम से कम 500 वर्ड पहले आने चाहिए, तब हम उसमें से चीज़ों को, शब्दों को मैनेज करके आंसर लिखते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा घड़ी वगैरह का शोर आ जाता है, पर क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो मैं कोशिश करती हूँ। चलिए देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि आर्गन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी तो चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में अमेरिका द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन आधुनिकीकरण अधिनियम, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 के पारित को पारित किया गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे किसी भी देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है ना किसी भी क्षेत्र में, तो उससे आगे आने वाली चुनौतियों से निपट सकते हैं, और इसे शॉर्ट में R&D बोलते हैं। तो जब कभी कोई R&D बोलेगा तो आपको समझना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। हम किसी भी क्षेत्र में अगर रिसर्च डेवलपमेंट पे सरकारें पैसा नहीं खर्चा करती हैं तो वो क्षेत्र हमारा वीक हो जाता है। अब देखिए, जैसे अमेरिका कोई अधिनियम पारित करता है, ये रिसर्च डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है, तो उससे ये फ़ायदा रहता है कि उस क्षेत्र में कुछ नई जानकारियाँ मिलती हैं और वो देश उन तकनीक उन चीज़ों में अग्रणी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स हो जाती हैं। तो भारत को भी ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं कई बार, हमारे पास क्योंकि पूंजी की ऑलमोस्ट कमी रहती है। तो ये अधिनियम पारित किया गया इसलिए जो ऑर्गन के चिप्स होते हैं ना, अनुसंधान में विकास को गति मिलने के। तो जैसे एक दशक से अधिक समय से वैज्ञानिक, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और पशु कार्यकर्ता विज्ञान, वाणिज्य और नैतिकता में निहित तर्कों के साथ जानवरों का उपयोग करने के अलावा मानव रोगों की नकल करने वाले सिंथेटिक सेटअप को शामिल करने के लिए नियामकों पर जोर दे रहे थे। कई बार ऐसे, मतलब जब हमारे पास रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती है, तो कई बार लोग कुछ गलत गलत तरीके अपना लेते हैं, है ना। तो जब अधिनियम होता है तो फिर वो काम अधिनियम के तहत होता है। देखिए, बॉक्स को अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। ऑर्गन चिप्स मानव कोशिकाओं, है ना, ऑर्गन्स होते हैं ना मानव कोशिकाओं वाले छोटे उपकरण हैं, जिनका उपयोग मानव अंगों के अंदर की स्थिति जैसे कि रक्त प्रवाह। अब देखिए, ये रिसर्च डेवलपमेंट से क्या होगा, प्रवाह कैसा है, सांस लेने की गति नकल करने के लिए किया जाता है। ऐसे चिप्स पारदर्शी होते हैं जो शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन किए जा रहे अंग की आंतरिक प्रणाली को देखने हेतु माध्यम प्रदान करते हैं। मतलब जो ये ऑर्गन चिप्स या ऑर्गन ऑन अ चिप मॉडल तैयार किया जाएगा, तो इसको शायद लगाकर वो लोग रिसर्च करेंगे, उससे पता चलता है। क्योंकि डॉक्टर भी तो ऐसे ही पता करते हैं ना, जब ये चीज़ें हम पहले से उन्हें पढ़ाई जाती हैं, पढ़ाने से पहले जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं, फिर उसका एक मॉडल तैयार करके देते हैं, फिर डॉक्टर उसको पढ़ते हैं। तो वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म हृदय, फेफड़ों और यकृत का विकास किया था, जिन्हें बॉडी ऑन अ चिप विकसित करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है, और मानव शरीर नई औषधियों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है इसकी नकल करते हैं। और जैसे कोई नई दवा बनी तो उस दवा को किसी की बॉडी में पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ना। अब एक्सपेरिमेंट ऐसे तो डॉक्टर नहीं कर सकते जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी, तो इसीलिए इस तरीके से रिसर्च को, R&D को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लाभ क्या होंगे फटाफट से देख लेते हैं। यह तकनीक वर्तमान में उपयोग की जाने वाली अन्य विधियों जैसे कोशिका संवर्धन, सेल कल्चर या जैव आधारित परीक्षणों की तुलना में बेहतर सूक्ष्मता के साथ विशिष्ट अंग, खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों या आहार की खुराक में पाए जाने वाले संभावित रासायनिक खतरे के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया को दर्शा सकती हैं, है ना। जैसे कोई कोशिका है, सेल है शरीर के अंदर, अब कोई हमने ऐसा खाना खा लिया जो मतलब डेड हो चुका था, नहीं पता चला, तो उसमें जो भी परिवर्तन आएंगे वो पता चलेंगे, ये चिप उसे दर्शा देगी पहले ही, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गन ऑन अ चिप को जानवरों पर दवाओं के नैदानिक परीक्षणों के लिए एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, जिसकी अनैतिक और वैज्ञानिक रूप से निरर्थक प्रथा के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इस प्रकार ऑर्गन चिप्स प्रयोगशाला में हजारों पशुओं की मृत्यु को रोकने में मदद करती है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट काम है ना।
बहुत सारे बेचारे पशु मारे जाते हैं या मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये ऑर्गन चिप्स उसमें हेल्प करेगी। अब इसकी भूमिका को हम भारत में देख लेते हैं कि ये तो चलो अमेरिका का हो गया है ना, अब भारत में इसका क्या है। तो भारत में कुछ शोध समूह, मतलब वही रिसर्च सेंटर, पिछले कुछ वर्षों में ऑर्गन अ चिप मॉडल विकसित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारत में भी हो रहा है, हालांकि पूंजी की कमी है, फंड कम रहता है, पर फिर भी सरकार काम कर रही है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने IIT बॉम्बे के साथ एक स्किन ऑन चिप मॉडल विकसित किया है, जो त्वचा की जलन और विषाक्तता का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में मॉडल का परीक्षण किया जा रहा है ना। दोनों समूह मिलकर एक रेटिना ऑन चिप मॉडल भी विकसित कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में, इसके अलावा भारत में शोधकर्ता प्लेसेंटा ऑन चिप मॉडल भी विकसित कर रहे हैं। सावित्री बाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम ने मानव त्वचा के घाव की संक्रमण अवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए एक इन्फेक्शन ऑन चिप मॉडल विकसित किया है। इसका उद्देश्य ऐसे संक्रमण की नकल करना है जो बार बार एंटीबायोटिक उपचार के बावजूद ठीक नहीं होता है ना। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, इसका स्टैटिक पोर्शन है। अगर ये हमने पढ़ लिया है तो इससे क्या है कि जो बनेंगे फैक्ट वो हमें याद भी रहेंगे या एक दो बार रिविजन में याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इंडिया एक्ट। हालांकि अभी ये एक्ट है, कानून नहीं बना है, तो हम इसको जब कानून बन जाएगा तो हम फिर दूसरी मंथली मैगजीन में इसके बारे में आएगा तो हम पढ़ लेंगे। इसकी जगह हम अभी एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं जो हमारे मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और समझ बनाने के लिए, क्योंकि 1.5 से 2 साल की जर्नी रहती है, हमें टॉपिक की पहले समझ अच्छे से बनानी पड़ती है। ऐसे ही तो हम आंसर तो हमें खुद से लिखना है, वहाँ पर सर बोलते हैं ना आपका दिमाग, आपका हाथ और आपका पेन जाएगा। तो देखिए जब दिमाग जाएगा, दिमाग में चीज़ें होंगी, टॉपिक होंगे, तभी तो हम वहाँ लिख पाएंगे है ना। भारत का कार्बन सिंक लक्ष्य, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि भारत वर्ष 2030 तक अपने कार्बन सिंक को 2.5.3 बिलियन टन CO2 के बराबर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसने औपचारिक रूप से UNFCCC को यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है कि इसके लिए आधारभूत वर्ष 2005 होगा। भारत की प्रतिबद्धता, भारत ने कहा कि पूर्व में तय किए गए लक्ष्य 33 से 35% के बजाय यह प्रति इकाई उत्सर्जन की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45% कम कर देगा। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि नवीकरणीय ऊर्जा अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के मूल 40% से कम 50% अधिक हो। तीसरा लक्ष्य, अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के निर्माण के माध्यम से वर्ष 2030 तक अपने कार्बन सिंक को 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर बढ़ाने की प्रतिबद्धता। देखिए कार्बन सिंक का मतलब क्या है, जैसे पूरे भारत के अंदर, ये भारत की बाउंड्री है इस तरीके से, अब इसके अंदर 2.5 बिलियन टन कार्बन बोले तो जैसे कि वाहन चलते हैं तो पॉल्यूशन होता है, गांवों में भी उपले जलते हैं, कूड़ा करकट जला दिया जाता है, उसका जो धुआं होता है काला काला, उसे सिंक उसे ख़त्म कैसे करना। तो जितनी ज़्यादा, आप देखिए ये मैप दिया गया, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, ये पेड़ पौधे उस कार्बन को, जो उड़ने वाला काला धुआं, उसको सिंक कर लेंगे। टोटल कार्बन स्टॉक इन मिलियन टन्स, ये यहाँ पर चार्ट दिया, तो अच्छी बात है, ऐसे समझ में आ जाता है ना। CO2 इक्विवेलेंट, टोटल कार्बन सिंक इन CO2 इक्विवेलेंट 2015 में 29.38, 2017 में 29.57, 2019 में 29.77 और 2021 में 30.09 है ना। तो ये उसके बारे में बात हो रही है, कार्बन मतलब कि पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, पेड़ पौधों, जानवरों, गर्भवती महिलाओं, इनके लिए। तो देखिए प्रमुख बिंदु, वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु बैठक में भारत की 5 सूत्री पंचामृत कार्ययोजना में तीसरी प्रतिबद्धता का कोई उल्लेख नहीं था। ग्लासगो यूके में आयोजित COP26 से UNFCCC के बाद भारत ने उन्नत जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की, जो वर्ष 2021 से 2030 की अवधि के लिए स्वच्छ ऊर्जा हेतु भारत के लिए रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करता है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4 में देशों को हर 5 साल में NDC प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो देश के मौजूदा NDC से परे प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तो उसके मतलब पॉइंट हो गए, इससे खास वो नहीं है, मुद्दे क्या हैं इसमें।
देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्बन स्टॉक वृद्धि, भारत के वनों और वृक्षों के आवरण में कार्बन स्टॉक की वृद्धि की दर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं ना, मैंने बोला ना, इन्होंने ज़्यादा मात्रा में सिंक, मतलब कार्बन को सिंक किया, अपने अंदर समाहित किया है, प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। भले ही वर्ष 2020 में कुल कार्बन स्टॉक FCI के 2 साल पहले के अनुमान से थोड़ा कम था, लेकिन किया है, ऐसा रिपोर्ट कह रही, मतलब बताया गया है। भारत ने वर्ष 2021 में 142, इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हेक्टेयर के अपने लक्ष्य के 1,42,684 के मुकाबले 2015 से 20 की अवधि में 1,12,422 हेक्टेयर में पौधे लगाए और वन भूमि का विस्तार किया। अब देखिए पेड़ पौधे किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, लोग काट तो देते हैं, सोचते नहीं है ना। तो विस्तार भी किया, वन मैंग्रोव अर्धभूमि, पीटलैंड और घास के मैदान भी शक्तिशाली कार्बन सिंक हैं, लेकिन उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखिए वन मैंग्रोव जो भूमि के कटाव रोकते हैं, वाटर रिचार्ज करते हैं, पेड़ रहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पर सिंक भी करते हैं, कार्बन को सिंक भी करते हैं, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए पॉइंट, आधारभूत वर्ष में अस्पष्टता, कार्बन सिंक लक्ष्य को वर्ष 2015 में सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, है ना, तो कन्फ्यूजन तो हो ही जाएगी। यानी भारत वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष कवर के माध्यम से एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन बेसलाइन वर्ष का कोई उल्लेख नहीं किया गया, अर्थात इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस वर्ष अतिरिक्त 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 संतुलित कार्बन सिंक को मापा जाएगा। वो जो COP26 हुआ और 2015 में ग्लासगो में जलवायु समझौता हुआ, वहाँ पे कई सारे देश सम्मिलित हुए थे, मिले आए थे, बातचीत हुई थी, तो वहाँ पे एक दो लाइनों में अस्पष्टता है। हालांकि आप लोगों को वैसे ही पता होगा कि भारत में तो औद्योगिकरण उतनी तेज़ी से हुआ ही नहीं जितना यूरोपीय कंट्री में, बाहर के देशों में, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यहाँ हुआ। भारत तो अभी भी मुझे लग रहा है 50 या 60% अराउंड अपनी जो बिजली उत्पादन है या ऊर्जा की पूर्ति वो कोयले से करता है ना। तो अभी इतनी जल्दी वो कार्बन को सिंक करने के लिए इतनी रणनीतियाँ कैसे बनाएगा, ये तो मोदी जी ने भी कहा था, है ना। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ये भी आती है। तो हालांकि फिर भी भारत प्रतिबद्ध है, अपनी चीज़ों को कर रहा है, तो देश चाह रहे हैं, पर हमने तो इतना किया ही नहीं, फैलाया ही नहीं गंदगी, तो हम क्यों साफ करें, आप भी उसमें सहयोग करें। हालांकि भारत तो बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है, तो वही यहाँ पर मतलब बोला गया है। अब इसके बारे में ऐसे इस तरीके से पूछ लेते हैं कि क्या आप इस बात से सहमत है कि शुद्ध सोने उत्सर्जन और वनीकरण जैसे लक्ष्यों से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट मिल सकते हैं आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो, ऐसे ही हम अपने डेटा को मजबूत बनाएंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि DIIS की टेस्ट सीरीज़ हैं फिजिकल फॉर्म में और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के 1 या 2 महीने पहले तक लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, फिर उसके आंसर को एनालाइज करते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और आपको तो पता है ये कई सारे अच्छे अच्छे लोग जो मतलब ठीक ठाक गाइड कर रहे हैं, आप उनकी उनको भी सुनेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि DIIS की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। करंट अफेयर को भी साइड बाय साइड चलने देंगे, 2 से 3 दिन के गैप में मैं वीडियोस लाती रहूँगी, मैगजीन भी कंप्लीट हो जाएगी, टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसका हमें पता चल जाएगा कि किस फॉर्म में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, थैंक यू।